त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर ऑटोमेटिकली पानी टपकता रहता है इसलिए इसका नाम त्र्यंबकेश्वर है। और यहाँ पर 108 सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट भी होती है बट आई डोंट नो आज बंद क्यों है यहाँ पे। अगर आप आते हैं तो देहरादून यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। व्लॉगिंग कर रहे हैं और तो अपनी बीवियों को साथ बतलाइए, देखिए कैसे बच्चा उठा के आपको व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। बीवियाँ घूम रही मस्त खाली हाथ, सो आपको व्लॉग भी बनाना है, आपको बच्चा भी उठाना है, आपको कैमरा भी संभालना है। ऐसी डरा दिया, और कोई 108 सीढ़ियाँ नहीं है भाई साहब, 108 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन आप सीधा पट्टी से भी उतर सकते हैं। लल्लू काट दिया हमारा पार्किंग वाले ने। ये देखो गाइस, ये ऊपर से है, हमें यहाँ नीचे जाना है। गाइज ये आई थिंक ये मंदिर जो है वो पहाड़ के अंदर बना है, सारा पहाड़ के अंदर बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखो बट यहाँ पे सीधा खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, मतलब अंदर अगर आप जितना अंदर जाएंगे उतना और छोटी रहेगी गुफा। मस्ट आई जगह है, मेरा फ्रेंड पहले बहुत बार आया हुआ बट वो कभी यहाँ पे नहीं आया, आपको ज़रूर आना चाहिए। लेकिन आपको आगे जाके बैंड होके वहाँ पे माथा टेकना पड़ेगा। एक्चुअली मैं गाइस आपको एक बात बताऊँ, मैं जब बहुत छोटा था, अप्रॉक्सीमेटली 10-11 साल का, तब मैं यहाँ पर आया था और मेरी एक फ़ोटो है बचपन की जो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। ये देखो ये व्यू है यार, क्या बात है। ओके गाइज, ये मंदिर के नीचे जगह है, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं व्यू बहुत ही क्लासी है यहाँ से। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, देखिए अभी मैं आपको ढंग से व्यू दिखा दूंगा। सो ये पूरी ऊपर मंदिर है, ये ऊपर आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर ये गंगा मैया पूरा लेवल तक आ रखे हैं। ये देखो नज़ारा बहुत प्यारा है, कैमरे से वो सब चीज़ें नहीं पता चल सकती जो वैसे पता चल सकती हैं। वाह क्या बात। ओके गाइज, अभी मैं इसके ऑपोजिट खड़ा था, वहाँ सामने दिख रहा था, ये मेरे पीछे बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए काफ़ी बड़ी मूर्ति है ये। यार बड़ा झुकना पड़ रहा है, ओ तेरी गाइस, पूरा झुका हुआ मैं और बहुत ज्यादा झुकना पड़ रहा है। वो यार मेरे पीछे लाइटें और कुछ नहीं दिख रहा, ओ तेरी। मस्ट विजिट जगह है, अगर आप कभी आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा। एक्चुअली क्या है कि यंग जनरेशन, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो नॉर्मली मंदिर वगैरह में जाती नहीं, बट टू बी वेरी फ्रैंक ये जगह देखने लायक है। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी तिब्बतन मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, गेट नंबर 10 के आगे खड़ा हूँ मैं।
और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे ये सारी तिब्बतन मार्केट है। मेरे फ्रेंड ने लास्ट टाइम जब उसने विजिट किया था अजीत ने, तो उसने कहा था कि काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलता है यहाँ से परचेज करने के लिए और फिक्स रेट आई थिंक सो। और अभी मैं आपको परचेज करके दिखाता हूँ, ये देखिए पीछे सारी मार्केट है, अगर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। गाइज जैसे कि मैंने आपको दिखाया बोर्ड लंबी बहुत है। सो अगर आप कभी आते हैं यहाँ पर तो ये फिक्स रेट है, कोई बार्गेनिंग नहीं हो पाएगी यहाँ पे। सॉरी वुमेंस लेडीज़ की आदत होती है बार्गेनिंग करने की, सो बार्गेनिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप लेना चाहें तो उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, मेरे को अच्छे लग रहे हैं। आ रहा है ओके गाइज, अगर मैं मोनेस्ट्री की बात करूं तो मोनेस्ट्री में हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट बिताए, 15-20 मिनट नहीं, अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा हम लोगों ने वॉक करी होगी। और ड्यूरिंग द वॉक हमें ये पता चला कि जो बैग्स हैं, ट्रैवल बैग्स हैं, वो कंपैरेटिवली सस्ते थे, बट जो टी शर्ट वगैरह हैं मतलब कपड़े थे, वो चाहे लड़के के हों या लड़की के हों, वो उनके फिक्स प्राइस थे और मुझे कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगी कंपैरेटिवली। सो इनकेस अगर आपको इमरजेंसी है तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। मैं आपको मतलब मोनेस्ट्री, एक ही तिब्बती मोनेस्ट्री है वहाँ पर पूरे देहरादून में, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा जगह मैं जा नहीं पाया, अब कल देखते हैं कल का क्या शेड्यूल बनता है। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और नींद भी आ रही, बिकॉज सुबह 4 बजे मैं निकला था यार, हालत बहुत बुरी है। अभी बस फटाफट से खाना खाएंगे और सो जाएंगे। सो अभी फ़िलहाल इतना ही, साइनिंग ऑफ अतुल कुमार छाबड़ा आज के व्लॉग के लिए। बाय बाय, कल मिलते हैं।